ये वाली ग्लास प्लेन। चलो ऐसे फटाफट लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे करके लगाना है, यहाँ पे आपको टोटल 6 ब्लॉक्स लगाने हैं ऐसे एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर ग्लास लगाना है आपको। यहाँ पे वो कैसे लगाऊँ मैं, एक मिनट को। यहाँ पे गैस एक ब्लॉक एक ग्लास, एक ब्लॉक एक ग्लास लगाना है गैस। यहाँ पे आपको टोटल ब्लॉक यहाँ पे 6 लगाने हैं आपको, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर उसके ऊपर आखिरी में लास्ट में एक ग्लास आएगा, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फटाफट। चलो गैस ये पूरा हो गया, ये बहुत सही लग रहा है अभी, मतलब बहुत सही लग रहा है अभी, और भी बनेंगे बहुत सही लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आ जाना है। फिर आपको ध्यान से देखना, आपको जस्ट यहाँ पे ब्लॉक लगाना है ग्लास के साइड में। उसके बाद उसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक वॉल लगानी है। फिर उसके नीचे से आपको एक और स्टेयर लगानी है। यहाँ पे मैं देखो ऐसे करके लगा दूँ, कुछ ऐसे शेप में लगानी है, ये ध्यान रखना है। ऐसे आपको सेम दूसरी साइड भी करना है। चलो मैं फटाफट कर देता हूँ इसे पूरा। ओके चलो गैस ऊपर देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे लगानी है गैस। मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, ये वाली जो स्लैब है ये थोड़ी नीचे लगनी, मतलब ये ग्लास के नीचे लगनी है पूरी, जैसे ये वाली लगी हुई है वैसे ये वाली लगनी है। चलो कोई गैस इसे मैं फटाफट लगा देता हूँ पूरा। ओके चलो गैस ये पूरा मैंने कर दिया। देखो गैस पूरा ऐसे दिखना है ये, अभी तो और भी है गैस, बहुत ही ऑसम लग रहा है। बस देखते रहना, वीडियो को लाइक जरूर मार देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना गैस। फिर आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना, ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 यहाँ पे ऐसे बेसाल्ट लगाने, यहाँ पे आई मीन इसे बेसाल्ट ही बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, 5 यहाँ पे लगाने और गैस 5 भी उस साइड लगाने हैं गैस। देखो यहाँ पे मैंने 5 लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेयर लगानी है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऐसी स्टेयर, उसके बाद यहाँ पे एक और ऐसे लगा देना है आराम से गैस, ऐसे आपको साइड भी करना है। चलो गैस ये वाला यहाँ पे पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको ऊपर। फिर ऊपर जाकर यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे ऐसे स्टोन लगा देने हैं। तो गैस ध्यान रखना स्टोन है ब्लैक वाले ही रखना। उसके ऊपर यहाँ पे स्टेयर लगानी है आपको, यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट हो जाए, मतलब जिससे डिज़ाइन आ जाए अच्छे से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको एक ऐसी स्टेयर लगानी है। फिर उसके बाद आपको एक थोड़ा मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, यहाँ पे एक और बल्ब लगा लेता हूँ मैं। ओके गाइस यहाँ पे पूरा ठीक है हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाता हूँ स्लैब। ओके स्लैब लगानी मेरे को, सॉरी यहाँ पे स्टेयर लगाता हूँ पहले। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको लगाना है, थोड़ा आगे जाता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे स्टेयर लगा देनी है ऐसे करके आराम से। ओके गाइस यहाँ पे ऐसे लगा देनी है। उसके बाद उस साइड से भी आपको ऐसे लगानी है। एक मिनट यहाँ पे एक बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे आपको ऐसे स्टेयर लगा देनी है। एक और ब्लॉक आगे आने, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऐसी स्टेयर लगा देनी है जिससे वो अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एक और ऐसी स्टेयर लगा देनी है। चलो गाइस ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे एक और स्टेयर लगानी है आपको यहाँ पे ऐसे करके। ओके गाइस ऐसे आपको दूसरी साइड भी करना है। चलो फटाफट मैं इसे कर देता हूँ। ओके चलो गाइस ये पूरा बन चुका है। देखो गाइस इतना अच्छा लग रहा है अभी ये, अभी थोड़ा सा और इसे डेकोरेट करना है। चलो गाइस इसे और अभी थोड़ा डेकोरेट करते हैं। गाइस आप ऊपर आ जाने, यहाँ पे ऊपर जाके आपको यहाँ पे 3 ब्लॉक की हाइट खड़ी करनी है, आई मीन सॉरी 3 ब्लॉक की हाइट नहीं, यहाँ पे 3 ब्लॉक यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्टेयर लगानी है और ऐसे आपको दूसरी साइड भी स्टेयर लगा देनी है। उसके बाद आपको एक और स्टेयर लगानी है, थोड़ा सा वो मुश्किल पड़ा था मेरे को, बहुत टाइम लग गया था। अब आपको ऐसे ब्लॉक खड़े करने हैं। उसके बाद एक और स्टेयर फिर जो ऊपर वाली स्टेयर है उसे तोड़ देना है। ऐसे आपको दूसरी साइड भी एकदम सेम कर देना है। चलो फटाफट कर देता हूँ। ओके चलो गाइस पर हो चुका है। यहाँ पे मेरा क्रीपर आगे फट गया था, पता नहीं कैसे आ गया, कब मैं आगे पता ही नहीं चला मेरे को। देखो गाइस पूरा ऐसे करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक और ग्लास यहाँ पे छूट गया था, लगा देता हूँ मैं नीचे गिर गया यार दोबारा से, क्या यार। ओके गाइस यहाँ पे लगा देता हूँ। गाइस जो मेरे इसमें दिमाग खराब हुआ है ना, मैं क्या हुआ हूँ, बस यहाँ पे दोबारा मैं लगा देता हूँ अच्छे से। ओके गाइस मैं बार बार यहाँ पे गिर जा रहा हूँ, मैं इसे बाद में आराम से फिल कर देंगे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे फटाफट मैं तोड़ देता हूँ, हटा देता हूँ इस वाले ग्लास को। ये पूरा हो गया है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे आपको एक ब्लॉक लगाने इसके ऊपर। तो गाइस आपको थोड़े से और ब्लॉक यहाँ पे खड़े कर देने। अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड में ब्लॉक लगा देता हूँ क्योंकि मेरे को साइड में स्टेयर्स लगानी है इसके भी साइड में। अब मैं आराम से लगाता हूँ। गाइस बहुत डर लग रहा है, इतनी हाइट पर काम कर रहा हूँ, मेरे को रियल में ऐसे फील हो रहा है कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ एकदम से। ओके गाइस देखो यहाँ पे आपको ब्लॉक लगाने के साइड में कुछ ऐसे ही नहीं। गाइस ये भी गलत लग गया मेरे से, गाइस इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। चलो मैं दोबारा लगाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे लगाता हूँ उसे ब्लॉक को, तो नीचे से वो आराम से लग जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आ गया आराम से, यहाँ पर लगाता हूँ मैं फटाफट। अरे यार यहाँ पर स्टेज लगाने की गलती से लग गया, यहाँ पर दोबारा सीधे से लगा देता हूँ मैं। ओके गाइस यहाँ पर एकदम सीधे से लगेगा। ऐसे आपको दोबारा दूसरी साइड में भी आपको ऐसे ही लगाना है। चलो गाइस ये पूरा हो चुका है। तो गाइस बनने के बाद ये थोड़ा ऐसे दिखेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही दिखना है, ऐसा बना देना है। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ी लगा दें स्लैब। स्लैब के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद इसके पर यहाँ पे स्टेयर्स लगानी है आपको ऐसे करके। ये स्टेयर दोबारा में से गलत लग गई है, पहले एक स्टेयर यहाँ पर लगानी है और एक स्टेयर यहाँ पर लगानी है गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लगा देनी है, यहाँ पर एक टाइल्स लगा देनी है यहाँ पर आराम से। ये वैसे थोड़ी यहाँ पर गलत लग गई है तो मैं इसे हटाता हूँ। फिर यहाँ पर आपको स्टेयर्स यहाँ पर लगानी है स्लैब आपको, आप एक ऊपर ऐसे आराम से स्लैब लगा देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे ब्लॉक खड़े करना है। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके उसके ऊपर एक और ब्लॉक लगा देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेयर्स लगा देनी है उसके ऊपर जस्ट जाके। उसके बाद थोड़ी सी आपको स्टेयर्स की शेप चेंज करनी होगी, यहाँ पे ऐसे ही लगा देनी, कुछ ऐसे टाइप करके स्टेयर्स लगा देनी है। उसके बाद गैस आपको जाना है नीचे, फिर नीचे जाके आपको यहाँ पे 2 ऐसी वॉल लगा देनी है। फिर उसके बाद गैस आपको यहाँ पे लगानी है क्रिम्सन स्लैब, और यहाँ पे दोबारा से मेरी गलत लग गई है गाइस। गाइस ये सब बनना जितना आसान दिखता है ना, वो उतना है नहीं।
ये बस क्रिएटिव मोड में इजी दिखता है, जब इसे सर्वर में बनाते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इसमें। तो गाइस यहाँ पे आपको ऐसे देख नीचे आना है थोड़ा सा, फिर आपको यहाँ पे आपको ऐसे दो सैप लगा देने हैं, फिर उसके साइड में एक और सैप लगाना है आपको यहाँ पे, यहाँ से करना गाइस, और नीचे गिरे मत जाना आप लोग। ओके गाइस यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है, एक गलत लग गया सॉरी। इसके बाद आपको इसके ऊपर लगाना है, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और सैप लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे स्टेयर्स, यहाँ पे थोड़ी ऐसे क्रिम्सन स्टेयर्स ले लेना। गाइस ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर अच्छा आएगा थोड़ा। फिर आपको यहाँ पे ऐसी एक स्टेयर लगा देनी है, उसके ऊपर एक और स्टेयर, फिर उसके साइड में एक और ऐसी स्टेयर लगा देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आराम से जाता हूँ मैं। देखो ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो गाइस ऐसा दूसरी साइड भी आपको सेम ऐसे बना देना है। चलो फटाफट बनाता हूँ मैं। चलो गाइस ये पूरा हो चुका है। उसके बाद आपको लगाने यहाँ पे एक और ऐसे स्टेयर्स लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और स्लैब यहाँ पे। ओके गाइस ऐसे आपको एक गलत लग गया दो स्लैब, यहाँ पे गाइस बार गलत लग रहा है मेरे से। यहाँ पे स्लैब लगा देनी है एक ही, फिर उसके ऊपर एक और स्लैब ऐसे लगा देना है। फिर आपको दूसरे साइड भी ऐसे सेम करना है, यहाँ पे एक और स्टेयर लगा देनी है। ये जल्दी से लग गई, चलो कोई बात नहीं, इसे मैं जाके बाद में हटा दूंगा। एक काम करता हूँ मैं इसे ले ही लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर जो मेरी जो स्टेयर्स है वो बाद में बेच जाएंगे मेरी। यहाँ पे लग जा भाई, यार क्या हो रहा है, यहाँ पे आराम आराम से जाना पड़ेगा। प्यार से जम मारता हूँ, बस नीचे ना गिर जाऊँ मैं। ऐसे लेता हूँ यहाँ पे एक और से प्यार से जम मारता हूँ और बस जाएगा इस। चलो नीचे नहीं गिरा मैं। यहाँ पे एक और आप स्लैब लगा देनी है, दोनों साइड बराबर कर देना है। फिर क्या आपको एक और यहाँ पे स्लैब लगा देनी, पीछे में बस लगाना है, बाद में लगा दिया आगे लगा देना बस स्लैब एक। तो ओके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर आ जाना है, ऊपर जाके यहाँ पे एक स्टेयर लगा देनी है ऐसे करके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे फेंस गेट लगाना है, फिर उसके ऊपर एक और स्लैब रखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। दोनों साइड लगा देना है ऐसे। फिर आपको यहाँ पे ले लेना है बेसाल्ट, फिर आपको यहाँ पे छः ब्लॉक का खड़े करना है, यहाँ पे छः ब्लॉक हाइट का यहाँ पे एक और बनाना है। एक काम करते हैं गाइस, उससे पहले हम यहाँ पे जो साइड साइड में हमें वॉल लगानी है, यहाँ पे वॉल एंड उसके बाद आपको क्रिम्सन फेंस लगाने हैं। यहाँ पे वॉल लगाई, उसके बाद क्रिम्सन फेंस, फिर एक और वॉल लगा देनी है आपको सारी। ऐसे आपको दोनों साइड करना है। चलो गाइस फटाफट कर देता हूँ मैं, ये लग नहीं रही मेरे से। ओके चलो गाइस देखो ऐसे कुछ कर देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे छः ब्लॉक की हाइट खड़ी कर सकते हैं गाइस, दोनों साइड आप ऐसे ही कर देना है, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे स्लैब लगानी है, आप इन टाइल्स लगानी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे साइड साइड में स्टेयर लगा देनी है, यहाँ पे उल्टी स्टेयर लगानी है, यहाँ पे दोबारा करने से गलत लग गई है, यहाँ पे ध्यान से लगाना गाइस। यहाँ पे कुछ ऐसे करके लगा देनी है, यहाँ पे लग जा भाई। ओके गाइस यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, यहाँ पे चारों तरफ ऐसे लगाना है, एक दो यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार, यहाँ पे आराम से लग गई गाइस। ओके गाइस यहाँ पे आराम से हो चुका है, ध्यान से देखना ऐसे लगाना है। फिर उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, आप नीचे आ जाना है, नीचे जाके आपको यहाँ पे ऐसे कुछ लगा देना है, यहाँ पे एक डॉट लगाना है, उसके ऊपर ऐसे लगा देना है। ये मतलब ये मैंने डेकोरेशन लिख गया है, आपकी मर्जी, आप इसे चाहे कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके साइड साइड में यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा देनी है चैन, यहाँ पे लाल टांग देनी है आपको, वहाँ पे भाई नीचे चैन लगानी है। फिर उसके बाद नीचे एक और चैन लगानी है, यहाँ पे एक मिनट साइड में एक और चैन लगी गलती से मेरे से। ओके गाइस यहाँ पे फिर आपको दोबारा से यहाँ पे आराम से एक और एक चैन लगा देनी है, फिर यहाँ पे लालटेन टांग देनी है, फिर आपको ऐसे दूसरी सेम साइड भी करना है, एक और चैन, फिर यहाँ पे लालटेन यहाँ पे आराम से टांग देनी है। ओके गाइस बहुत ही ऑसम लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दिनों जाए। ओके गाइस यहाँ पे देखो कितना ऑसम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा लग रहा है। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना ऐसी और वीडियोज़ ले। सो गाइस चलो बाय बाय।